आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ड्रग एक्टिंग एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आज नाइट्रोजेपाम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये हाइपोनोटिस ड्रग होता है, हाइपोनोटिस आप लोग बता दिया हम क्लासेस में हाइपोनोटिस क्या होता है। इट इज ए हाइपोनोटिस ड्रग होता है। इट बिलोंग टू क्लासेस बेंजोडाइजेपिन में होता है। आप लोग बताए बेंजोडाइजेपिन से जैसे बेंजीन से मिला है इसलिए हम लोग कहते हैं बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। इट इज द यूज फॉर शॉर्ट टर्म रिलीफ फ्रॉम सेवरल डिसेबलिंग एंजाइट एंड आइसोमोनिया। मतलब हम लोग देख रहे हैं जो रिलीफ करता है, रिलीफ किस लिए करता है, मतलब तो जो आप लोग देख रहे होंगे रिलीफ एंजाइट होता है जिसमें हम लोग सेवरल एंजाइट कहते हैं एंजाइट, इसमें यूज होता है। आप लोग याद रखिए पेन डिसऑर्डर में यूज होता है, आइसोमोनिया में यूज होता है, सीज्यूरा में यूज होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे मतलब थकिए मतलब लोग थक जाते हैं, मतलब ज्यादा से गंभीर से मतलब टेंशन होता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे पेन ज्यादा होने लगा, दर्द होने ज्यादा लगा, नींद नहीं आना और मतलब सीज्यूरी ना होना। मतलब देखिए अलग अलग से बीमारी जो होती है जिसमें आप लोग लिख दिया हूँ कौन से बीमारी में यूज होता है। तो आप लोग पहले बार देखना है, जैसे मान लीजिए आपको ज्यादा गंभीर मतलब गंभीर मतलब थकान है, मतलब गंभीर थकान है, पेन मतलब ज्यादा आप लोगों को पेन है मतलब बॉडी में, आइसोमोनिया नींद नहीं आ रहा है, टेंशन है, ज्यादा टेंशन होता है तब इसको मेडिसिन को दिया जाता है। ज्यादा मतलब टेंशन होता है उसके लिए, पेन ज्यादा पेन होता है उसके लिए, आइसोमोनिया नींद नहीं आता है इसके लिए दिया जाता है, सीज्यूरी से मतलब इसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज कंडीशन, इसका किस कंडीशन में धारा जाता है इसके बारे में, बट आप लोग ज्यादा इधर नहीं जा रहा है स्टेज। आप लोग केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, जब हम लोग पेपर में आता है तो कैसा हम लोग लिखते हैं, पूरा पेज लिख के आते हैं बट सही तरीके से नहीं लिखते हैं इसलिए नंबर कट जाता है। तो आज के क्लासेस में आप लोग बताऊंगा, दो मिनट में याद करने की तरीका भी है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। आप लोग बस इतना लिखिए नाइट्रोजेपाम लिख दीजिएगा, मतलब इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। इट इज द हाइपोनोटिक ड्रग होता है, इट इज द बिलोंग टू द क्लास बेंजोडाइजेपिन, इट इज द यूज फॉर द शॉर्ट टर्म रिलीफ फॉर सेवरल डिसेबलिंग एंजाइट एंड आइसोमोनिया। मतलब आइसोमोनिया में सेवरल एंजाइट था, मतलब ज्यादा गंभीर थकावट मतलब थकावट होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे ठीक है, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखिए दो बेंजीन से मिलके, तीन बेंजीन से मिलके जिसमें नाइट्रोजन जुटा है, तो आप लोग देखेंगे सेवन नाइट्रोजन है, सेवन नाइट्रोजन, फाइव टू थ्री फोर फाइव सिक्स पेंटोडेरी फिनाइल है, पेंटोडेरी फिनाइल वैसे कह सकते हैं, वन थ्री डाइहाइड्रो, वन फोर बेंजोडाइजेपिन, टू वन, तो इस तरह भी लिख सकते हैं ठीक है। सेवरल वैलेंस आप लोग बता दिया, सेवरल एंजाइट जो होता है इसके बारे में हम आप लोग बता दिया ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा सेवरल एंजाइट हो गया, पेनिक डिसऑर्डर। आप लोगों को नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, मैं हिंदी में पूरा लिख के दे दूंगा, इसमें आप लोग समझ आ जाएगा ठीक है। सेवरल एंजाइट में आप नेट पर सर्च करेंगे तभी मिल जाएगा, मैं भी बता दे रहा हूँ जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा ठीक है। पेन डिसऑर्डर में तो ज्यादा दर्द हो जाता है, मान लो सेवरल एंजाइट है तो उसके लिए आप लोग ज्यादा गंभीर तरह के मतलब तकनीक होता है। उसके बाद आइसोमोनिया मतलब होता है नींद आना, मतलब नींद नहीं आना। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो हीट शुड बी द स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट होना चाहिए ठीक है। देखिए इसमें टेम्परेचर जो होता है कीप अवे द रूम फ्रॉम द ये हीट शुड बी द स्टोरेज, देखिए एक चीज और है, इस फ्रिज में नहीं होना चाहिए ठीक है, हीट एंड द लाइट होना चाहिए। अब देखिए फॉर्मुलेशन टैबलेट, फॉर्मुलेशन में खाली टैबलेट में आता है, आप लोग याद रखना है। अब ब्रांड नेम से देखा जाए तो नाइट्रोजेपाम से नाम से आता है, आप लोग नेट सर्च करेंगे मिड प्लेस लाइन फार्मेसी लिखा होगा उसमें आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग बता देगा, खाली आप ये सर्च कीजिएगा नाइट्रोजेपाम, उस पर ट्रिक करेंगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा, उस पर कंपोजिशन लिखता है, उसमें टच करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एमजी भी बताएगा कितना एमजी लेना है कितना एमजी नहीं लेना है ठीक है। 2 mg 2.5 mg ऐसा होता है, तो आप लोग देख रहे हैं उसी तरह आप लोग लेना है ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा फिनोबार्बिटोल, फिनो देखिए फिनोबार्बिटोल ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फिनोबार्बिटोल बताऊंगा। हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं फिनोबार्बिटोल, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जिसमें आप लोग अच्छे से जान जाएंगे ठीक है फिनोबार्बिटोल होता है। तो आप लोग जरूर आइए नेक्स्ट वीडियो पढ़ने के लिए,
आज के क्लासेस में इतना है, इसमें आप लोगों को वन वन क्लासेस में एक एक मतलब ऑपरेटिंग बता दूंगा। नाइट्रोजेपम क्या काम करता है, इसका ब्रांड नेम किससे मिलता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो कंपोजिशन देखा जाए तो नाइट्रोजेपम का ये है, यूज ये है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी तो आप लोग पता होना चाहिए हमेशा कि कहाँ पर रखा जाए, और का मतलब फॉर्मुलेशन या टैबलेट में ही आता है ओनली, ठीक है। ब्रांड नेम से देखा जाए तो नाइट्रोजेपम, आप लोग स्ट्रक्चर में देखा जाए तो थ्री का मतलब बेंजीन से मिलकर बनता है, ठीक है, थ्री बेंजीन से मिलकर बनता है, आप लोग याद रखना है, ठीक है। ये इसमें ना सोचिएगा नाइट्रोजन पर डबल वन इधर वन मतलब ऐसे लिख के आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन रहता है तो आप लोग नाइट्रोजन यहीं पर लगा दीजिए, ठीक है। तो आप लोग होशियार हैं, इतना नहीं है जो आप लोग नहीं समझेंगे, जरूर आप लोग समझेंगे और अच्छे से जानकारी मिलेगा इसी तरह आप लोग सिलेबस अकॉर्डिंग। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइएगा, मिलिएगा और आप लोग क्लासेस पूरा कीजिएगा, ठीक है। आप लोग नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।